नमस्कार दोस्तों, मैं जीके भाई रविंद्र सर आज फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आज बच्चों आपसे फिर मिलना हुआ है एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। जैसा आप सभी जानते हैं बच्चों, HSSC ग्रुप डी का एग्जाम है जो सितंबर महीने में लिया जाएगा। और जो बच्चों ये जो एग्जाम लिया जाएगा इसके लिए HSSC ने नया पैटर्न तैयार किया है। आज हम उसी पैटर्न के ऊपर बच्चों चर्चा करने वाले हैं कि पैटर्न के अंदर क्या बदलाव किया गया है। और बच्चों हम आज की क्लास में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कैसे करें ग्रुप डी की तैयारी। इसमें मैं बच्चों खुद का मेरा एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों जो मैंने पहली बार जो एग्जाम दिया था वो हरियाणा ग्रुप डी 2018 का दिया था बच्चों। और उस एग्जाम में मैंने लगभग 72 नंबर प्राप्त किए थे, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था बच्चों। तो आज मैं मेरा एक्सपीरियंस वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि सितंबर के महीने में एग्जाम है हमारे, लगभग 4 से 5 महीने अभी बाकी है। तो आप 4 से 5 महीने में अगर जिस प्रकार मैंने तैयारी की है, अगर आप भी उसी प्रकार बच्चों तैयारी करोगे तो आप जरूर ये जो प्राप्त कर सकते हो, तो वो भी मैं आपके साथ अवश्य शेयर करूंगा। उसके बाद है कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, इसके बारे में बच्चों हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में है इस वीडियो को देख लिया तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल सच्चाई बात है बच्चों, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको हर एक टिप्स बताऊंगा जो आपको ग्रुप डी के अंदर पक्का सिलेक्शन करवा देगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले है कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। इसमें दिया गया है बच्चों कौन सा सब्जेक्ट है कितने नंबर का आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, उसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप डी की जो तैयारी है वो आपको किस प्रकार करनी है। और किसी के बहकाव में नहीं आना, ना फालतू की चीजें पढ़नी है बच्चों। बच्चों हमें सिर्फ इतनी चीज पढ़नी है जो हमारे लिए आवश्यक है। ज्यादा चीजें पढ़ेंगे तो बच्चों जो हमारे लिए जो आवश्यक चीजें है वो भी हम भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो हमें सिर्फ इतनी चीजों को ही याद रखना है जो हमारे काम की हो। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। तो सबसे पहले बच्चों हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो उसमें सबसे पहले जिक्र होता है हरियाणा सामान्य ज्ञान का, यानी कि हरियाणा जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे या कितने प्रतिशत आएंगे बच्चों। तो हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इनका जो प्रतिशत है वो रहेगा 25%, या कि जो हमारा एग्जाम होगा बच्चों उस एग्जाम के अंदर टोटल 95 क्वेश्चन आएंगे। 95 नंबर के 95 क्वेश्चन और 5 नंबर के बच्चों जो सोशल इकोनॉमी के नंबर होते हैं वो आपको मिलने वाले इस एग्जाम के अंदर। और बच्चों जो सोशल इकोनॉमी के नंबर है उनको मिलाकर फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये जो सोशल इकोनॉमी के नंबर इनको भी पहले जोड़ दिया जाएगा। तो 95 क्वेश्चन आएंगे हमारे और 5 नंबर सोशल इकोनॉमी के होगी बच्चों। अगर 25% में देखते हैं तो जहां तक अपना बैठता है 23 से 25 के बीच बच्चों हरियाणा जीके की क्या है आपको इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगी, लगभग 23 से 25 के बीच। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हरियाणा जीके में क्या क्या पूछा जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है क्योंकि हरियाणा जीके तो बच्चों बहुत बड़ी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो 6 महीने भी पूरी नहीं होगी। लेकिन हमें जो आधिकारिक ऑफिशियल जानकारी है बच्चों उसके अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो हर एक चीज को बिल्कुल सही कर पाएंगे। इसके अंदर दिया गया बच्चों जनरल अवेयरनेस विच इंक्लूड्स हिस्ट्री लिटरेचर यानी कि साहित्य, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सिवियंस, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, कस्टम, सोसाइटी, करंट अफेयर्स, इवेंट्स आदि। यानी कि इसके अंदर बच्चों आपको आर्ट व कला से टॉपिक जुड़े हुए मिलेंगे जरूर। जो हमारा कल्चर है इससे जुड़े हुए टॉपिक मिलेंगे, हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा का साहित्य, हरियाणा की जियोग्राफी, हरियाणा की इकोनॉमिक्स बच्चों, हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा का पर्यावरण, इस प्रकार के बच्चों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ साथ क्या है इनमें ही करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर का जो मार्जिन है बच्चों ये लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का हो सकता है। और इसके अंदर जो हमें पढ़ना है करंट अफेयर में बच्चों क्या पढ़ना है, हमें एक तो पढ़ना है हमारा जो बजट है, बजट पढ़ना है बच्चों हमें। और दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरी हमें प्रमुख योजना पढ़नी है। प्रमुख योजना यानी कि जो ये योजना होती है बच्चों ये भी सरकार का देने का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, क्योंकि इसकी इन योजनाओं के अंदर बच्चों सरकार बताती कि हमने ये लाभकारी योजना चलाई है हरियाणा प्रदेश के लिए। तो बच्चों प्रमुख योजना व बजट इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है जो आपकी करंट अफेयर में रहेगा। तो हमें ये चीज भी साथ साथ पढ़नी है। एग्जाम से पहले मैं ये सारी चीजें बच्चों आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ा दूंगा। तो इन चीजों पर भी साथ साथ करंट अफेयर के लिए हमें जरूर अपना फोकस बढ़ाए रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए बच्चों हरियाणा जीके, जो आप हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं उसके लिए मैंने स्पेशल क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है बच्चों।
हरियाणा जीके क्रैश कोर्स है। इसमें क्या है, आपको पहले बच्चों टॉपिक है जो थ्योरी में मिलेगा और उसके बाद उसी टॉपिक के आपको एमसीक्यू करवाई जाएगी, यानी कि आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी बच्चों। तो आप हमारा जो बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो बैच है बच्चों ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां आपको HSSC CET मेंस व ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें बच्चों जो ये नीले कलर में ब्रैकेट में है ये सभी टॉपिक पहले हमने पढ़ा दिए हैं, तो आप इन टॉपिक को एक बार वहां से देख लीजिए और बाद में आगे हम जो प्लान है ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने का है जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम से पहले पूरा क्लियर करवा दिया जाएगा। तो आप हमारे क्रैश कोर्स को अगर बच्चों देखोगे तो मैं पूरी की 25 की 25, तो कोई भी आपको मास्टर अगर पढ़ाए तो बच्चों 25 के 25 आप नहीं ले सकते, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार ऐसा देखने को मिलता है जो पता ही नहीं चलता कहाँ से आता है। लेकिन आप हमारी रेगुलर क्लास लगाओगे बच्चों तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ, अगर आपकी 25 नंबर की हरियाणा जी की आती है तो उसमें से आपके 23 कोई भी गलत नहीं कर सकता। तो बच्चों अगर 23 नंबर भी आप ले लेते हो तो एक बहुत बड़ी लीड निकलोगे हरियाणा जी की से। तो आप हमारे जो क्रैश कोर्स इससे जुड़ सकते हैं। उसके बाद बच्चों आगे करते हैं जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो नेशनल की जीके है इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। इसमें 15% है वो हमारी नेशनल जीके है और 15% है बच्चों कौन सी है, हमारी साइंस है। तो लगभग 30% इसका मार्जिन रहेगा और जो क्वेश्चन संख्या रहेगी बच्चों वो रहेगी हमारी 28 से 30 के बीच जो क्वेश्चन है, ये भी क्या है बच्चों हमारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, आपको ज्यादा बुकों में टटोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। कोई कहेगा हम एनसीईआरटी में पढ़ाते हैं, कोई कहेगा किसमें, तो बच्चों आपको टीचर नहीं लगना। ग्रुप डी यानी कि आप एक सेवक बनना चाहते हो, ग्रुप डी के कर्मचारी बनना चाहते हो, तो आपको एनसीईआरटी से कोई मतलब नहीं रखना है बच्चों। एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके लेवल से आई होती है और आपको भी समझ भी नहीं आएगी। आप अगर सब्जेक्टिव वाइज कोई अलग बुक से पढ़ोगे तो एक दिन में एक टॉपिक आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में बच्चों आप एक टॉपिक को लगभग 10 दिन में पढ़ पाओगे, क्योंकि उसके अंदर दाएं बाएं की ओर बहुत सारी जानकारी इंक्लूड की जाती है। ये देखिए इसके अंदर जो बच्चों आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा भारत व भारत के जो पड़ोसी देश है उनसे जुड़ी हुई चीजें पूछी जा सकती है। हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे। जर्नल साइंस में बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके लिए सबसे जो अच्छी बुक है बच्चों वो है ल्यूसेंट की। आप ल्यूसेंट बुक को फॉलो करेंगे तो बच्चों यहाँ जो 28 से 30 क्वेश्चन है मैं गारंटी देता हूँ अगर आप 2 महीने भी रेगुलर पढ़ोगे बिल्कुल अच्छे माध्यम से तो बच्चों आप इस 28-30 में से जो अपना स्कोर है वो लगभग 25 अवश्य बना सकते हो। तो देखिए 25 इसमें बनाने हैं, 20 आपने बनाने हैं बच्चों किसमें, कम से कम 20 हरियाणा जीके में बनाने हैं, लगभग 23 तक आप बना सकते हो। तो बच्चों इसके लिए ही हम ल्यूसेंट की जो बुक है बच्चों उसके अनुसार एक बिल्कुल उसी का भी क्रैश कोर्स लाने वाले हैं बच्चों, यानी कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए हम एमसीक्यू का क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं। इसमें बच्चों आपको सभी मिलेगी, यानी कि हमारी जो जियो है वो भी मिलेगी, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी मिलेगी बच्चों, हिस्ट्री है वो भी मिलेगी और हमारी जो साइंस है ये भी आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये एमसी का क्रैश कोर्स भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं बच्चों गणित या मैथ के बारे में। गणित या मैथ के बारे में बच्चों जो जो आपसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं इसमें देखिए कौन कौन से है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर का टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है बच्चों, और बिजनेस है, मिक्सर है, टाइम एंड वर्क है, डिस्टेंस का है, ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक अलजेब्रा है बच्चों। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लगभग जो ये क्वेश्चन है मैथ के इनकी जो संख्या आपके एग्जाम में बच्चों रहने वाली है ये भी कितनी रहेगी, लगभग 13 से 15 रहेगी। अगर जो बच्चा स्टार्टिंग से मैथ में कमजोर है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैथ अवश्य पढ़िए। इसमें से हमें क्या है टारगेट बनाना है भाई, अगर 13 से 15 के बीच में अगर क्वेश्चन आएंगे तो हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 7 क्वेश्चन ठीक करने का होना चाहिए, क्योंकि बच्चों मैथ वही ठीक कर सकता है जिसकी स्टार्टिंग से पकड़ मजबूत होती है। तो साथ साथ मैथ को टाइम देना है और जो बाकी ज्यादा टाइम बचता है बच्चों वो हमें नेशनल जीके व हरियाणा जीके के ऊपर मेनली फोकस रखना है, क्योंकि अगर आप रात दिन जो अब मैथ पढ़ना चाहते हैं स्टार्टिंग में मैथ कमजोर है तो वो बच्चों 13 से 15 नंबर तो नहीं ले सकता, लेकिन आप अगर जो मैथ का टाइम है थोड़ा सा और कोई सब्जेक्ट के ऊपर लगाओगे तो वहां आप नंबर पूरे ले सकते हो।
उसके बाद है बच्चों रीजनिंग। रीजनिंग के जो है यानी कि 10% विंटेज रहने वाली है इसकी, 10% में हम क्वेश्चन मान के चल सकते हैं, यानी कि 9 से 10 के बीच अपने क्वेश्चन आओगे। अगर ये आप कोई भी बुक बच्चों फॉलो कर लियो, उस बुक में जो जो आपने टॉपिक दिखाए गए हैं, क्लॉक का है, कैलेंडर का है, मिरर इमेज का है, वाटर इमेज का है, साइलोजिज्म है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ये बच्चों सभी टॉपिक जिस बुक में हो आप कोई भी बुक वहां पढ़ सकते हो। और इसमें जो जहां तक मेरा मानना है कि अगर 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो इसमें हर एक जो बच्चा है वो लगभग 8 क्वेश्चन अवश्य ठीक कर सकता है। तो बच्चों थोड़ा सा इसके ऊपर मेन फोकस रखना है हमें, जिसका मैथ कमजोर है वो भी इसको बिल्कुल सही कर सकता है। उसके बाद आगे है इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज है बच्चों, इसके भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे बच्चों ऐसे बच्चे होते हैं जिसका मैथ वह जो इंग्लिश है ये बहुत सारे बच्चों का कमजोर होता है। एग्जाम के पास क्या है, पूरा पूरा दिन इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, पूरा दिन मैथ पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या होता है बच्चों समझ नहीं पाते, दिमाग फजल हो जाता है, जो जीके पढ़िए उसको भी भूल जाते हैं। तो बच्चों इसमें हमें बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है, ज्यादा मेहनत इस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा मेहनत हमें उस सब्जेक्ट के ऊपर करनी है जो हमें थोड़ा ठीक आता हो। अगर उसके ऊपर थोड़ी सी और मेहनत करके कुछ उसमें जो इसमें नंबर घटते हैं वो उसमें हम अगर प्राप्त कर सकते हैं, तो थोड़ी सी जो ज्यादा मेहनत है बच्चों वो उसके ऊपर हमें करनी है। उसके बाद है हिंदी लैंग्वेज है बच्चों, ये बिल्कुल आसान देखने को मिलेंगी, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी 8 से 10 के बीच आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वर्ण का टॉपिक मिलेगा, स्वर है, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक, काल, तद्भव, तत्सम, तत्सम तद्भव, शब्द, अलंकार, विकार शब्द, अविकारी शब्द, पद, मुहावरे, लोकयुक्तियां, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय। जो ज्यादातर एग्जाम में बच्चों देखने को मिलती है, एक तो मुहावरा जरूर मिलता है, एक लोकयुक्ति अवश्य देखने को मिलता है, एक संधि विच्छेद मिलता है, एक उपसर्ग मिलता है, एक प्रत्यय मिलता है, एक समास मिलता है, एक पर्यायवाची, एक विलोम। ये जो ज्यादातर है बच्चों ये अक्सर देखने को मिलते हैं। और एक जो हमारा टॉपिक है ये है विराम चिन्ह का, ये टॉपिक हमें जरूर पढ़ने हैं। अगर किसी बच्चे की हिंदी भी कमजोर है तो वो कई ट्रिक के माध्यम से अगर इनको पढ़ लेगा बच्चों, तो जहां तक मेरा मानना है 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, आप यहाँ लगभग 8 क्वेश्चन जरूर ठीक कर सकते हो अगर 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप यहाँ से 8 क्वेश्चन को बच्चों लगभग ठीक कर सकते हो। एक जो बच्चे अब पहली बार बच्चों ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कोई बैच नहीं लगाया, तो मैं उनको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है बच्चों, एक बार टॉपिक पढ़ने से पहले आपको उस टॉपिक की क्लास देखनी है जिस बच्चे ने आज तक कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं की। हरियाणा जीके की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने डाल रखी है, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया है, साइंस की क्लास भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, पॉलिटी साइंस है, ज्योग्राफी है, इसकी क्लास भी बच्चों आपको हमारे चैनल पे आप वीडियो में जाकर देखोगे, लाइव के सेशन में जाकर अगर देखोगे, इंग्लिश की जो क्लास है वो सभी आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेगी बच्चों। और ये जो हमारा मेनली फोकस है सीटी मेंस व ग्रुप डी के ऊपर रहेगा, तो बच्चों आप वहां से भी अपनी क्लास को देख सकते हो। उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं उनका ये कहना होता है जी हमें जीके के जो क्वेश्चन है वो याद नहीं होते, तो जो क्वेश्चन बच्चों जीके के आपको आसानी से याद नहीं होते उसको क्या करना है आपको, उसको आपको लिखना है। अगर आप 2 से 3 बार अगर बच्चों क्वेश्चन को लिखोगे तो आपको अवश्य जो क्वेश्चन है 2 से 3 बार लिखने के बाद आपको जरूर याद हो जाएगा। एक जो बच्चों आपको जीके पढ़ने का जो समय है, एक तो आप रात को सोते समय जरूर पढ़नी है, रात को सोते समय, और उसके बाद क्या करना है बच्चों, जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही 1 घंटे हमें जो कल वाले पूरे दिन में जो भी जीके के क्वेश्चन हमने पढ़े थे वो सभी के सभी जीके के क्वेश्चन बच्चों क्या है, सुबह हमें उठते ही 1 घंटे तक उन क्वेश्चन को क्या है, रिवाइज करना है बच्चों। अगर आप ऐसा करोगे तो जहां तक मेरा मानना है लगभग 2 मंथ में जो आपकी जीके है बच्चों ये सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बच्चों मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं जो क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा स्पेशल डी ग्रुप के लिए, एमसीक्यू ल्यूसेंट, जिसके अंदर बच्चों आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस के मिलेंगे, हरियाणा इकोनॉमी के मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे, हिस्ट्री के मिलेंगे, सभी क्वेश्चन मिलेंगे। और बच्चों हरियाणा जीके का क्या है, हमने हरियाणा जीके का स्पेशल ग्रुप डी वर्सिटी मेंस के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट ही कर रखा है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। और अगर बच्चों आप ग्रुप डी के बारे में मेरे से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9812894920। आप यहाँ भी मुझे कॉल या मैसेज करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों अपना टेलीग्राम ग्रुप है,
टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जो जीके भाई रविंदर सर नाम से है। तो बच्चों आप वहां भी हमें फॉलो या ज्वाइन कर कर अपनी जो डी ग्रुप की तैयारी है उसको बिल्कुल विस्तार पूर्वक सुचारू रख सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूं, अभी आपके पास 3 महीने, जब बच्चों मेरा ग्रुप डी का एग्जाम आया था, मेरा जो मैथ है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जो मैथ है और बच्चों इंग्लिश है, इसमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और मैंने इन दोनों सब्जेक्ट की एक दिन भी क्लास नहीं लगाई, एक दिन भी बच्चों मैंने क्लास नहीं लगाई। लेकिन जब ये क्लास होती थी, मैं कोचिंग लेता था उस समय, जब ये दोनों क्लास होती थी, इन दोनों क्लास का जो 1.5 घंटे का बच्चों समय होता था, ये जो 1.5 घंटे का समय है, ये मैं हरियाणा जीके व नेशनल जीके के ऊपर बच्चों मेरा पूरा का पूरा समय लगाता था। तो मुझे क्या हुआ बच्चों, हरियाणा जीके में जो हमारे उस समय 25 क्वेश्चन आए थे, मेरे 3 ठीक हुए, और बच्चों जो नेशनल जीके के उस समय 23 ठीक हुए थे बच्चों, और नेशनल जीके के लगभग 30 क्वेश्चन बच्चों उस समय हमारे एग्जाम में देखने को मिले थे, जिसमें से मैंने 25 क्वेश्चन को बच्चों ठीक करने का कार्य किया था। तो एक मैन लीड तो बच्चों यही हो गई थी मेरी, लगभग 48 नंबर की तो ये लीड यही मैंने प्राप्त कर ली थी। बाकी बच्चों बचते हैं हिंदी के, हिंदी के मेरे 12 क्वेश्चन ठीक थे, इंग्लिश में और मैथ में मैंने तुक्के मारे, भाई मेरे 12 नंबर ठीक हो गए थे। उसके बाद बच्चों अपना रीजनिंग बचता है, रीजनिंग आती है आसान, और उस समय लगभग मेरे 8 से 10 क्वेश्चन के बीच, अभी मेरे को पक्का याद नहीं है, 2018 की बात है, 8 से 10 क्वेश्चन के बीच बच्चों मेरे रीजनिंग के क्वेश्चन ठीक हो गए थे, लगभग मेरा जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई हो गया था। तो बच्चों अगर आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है और टेलीग्राम ग्रुप बच्चों ये है, आप यहाँ से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं ऐसी उम्मीद मेरे से जरूर रखता हूँ कि मैं जरूर ना जरूर आपकी कोई ना कोई सहायता जरूर कर पाऊंगा। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अगर फिर कोई नई नोटिस, नई कोई जानकारी मिलती है तो आपके साथ अवश्य शेयर करूंगा, और इस वीडियो को आप 1 से 2-3 बार जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो भी आपको अपने आप में एक मोटिव देगी। बच्चों मैं भी सिर्फ जीके में इंटरेस्ट था, आज मैं आपने पढ़ाने लग रहा हूँ, इंग्लिश का ज्ञान को नहीं, मैथ का ज्ञान को नहीं, ऐसा अपने बेरा भी चलता हो गया कि मेरी बोलने की लैंग्वेज ही पता चल जाए। तो बच्चों अगर आप इसमें जीके के ऊपर मेन फोकस बनाना है, देखो जीके होती है आसान होती है, जीके है, उसके बाद क्या है, रीजनिंग है, हिंदी है, साइंस भी आप अगर थोड़ी सी रटोगे तो ये सारी की सारी बच्चों ठीक हो जाएगी। जीके के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के 15 क्वेश्चन आओगे आप 10 से 12 के बीच में ठीक जरूर कर दोगे, रीजनिंग के कितने आओगे 10, आप 8 क्वेश्चन ठीक कर दोगे जरूर, हिंदी के कितने आओगे बच्चों 10 क्वेश्चन आओगे आप 8 ठीक कर दोगे, साइंस के लगभग कितने आओगे बच्चों, साइंस का 15% मार्जिन दिया गया है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आओगे, और इसमें भी आप कितने कर सकते हो, लगभग 10 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। तो 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 10 36 और 2 38 होते हैं, और 38 के बाद बच्चों अपनी जो हरियाणा जीके बचगी, अगर 38 में से 20 भी आपने ले लिए, 23 भी ले लिए बच्चों, तो 38 प्लस में 23 कितने हो गए, 8 और 3 11 1 3 और 2 5 6 61 नंबर, तो बच्चों यही हो गए। उसके बाद अपना कौन सा बच गया, उसके बाद बच गया अपना इंग्लिश और मैथ, ये 2 चीज बच गई भाई, इंग्लिश बच गया, मैथ बच गया, नेगेटिव मार्किंग कोई है ही को नहीं अपनी, तो अपन क्या करना है, इसमें अगर आप तुक्के मारोगे तो बच्चों मान के चलो 10 का युवा होगा और 15 का युवा होगा, तो इतने तो जमा माड़े कर्म भी को नहीं आकर, 15 में से कम 5 तो ठीक हो गए बच्चों, और इसमें भी क्या है, लगभग 5 तो 10 ही हो गए बच्चों, अगर इस 10 ने आप यहाँ ऐड करोगे तो लगभग कितने हो गए आपने, लगभग 71 नंबर हो गए, ये इतने नंबर हो गए, तो आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। इसमें जो जहां तक मेरा मानना है बच्चों, इसके अंदर लगभग 55 व 60 नंबर के बीच जिनके भी नंबर आते हैं वो सभी के है बच्चों क्वालिफाई हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले ग्रुप डी से पहले क्या है, सीटी जो मेंस का एग्जाम है बच्चों, सीटी मेंस का एग्जाम है, इसके जो बच्चे ज्वाइनिंग मतलब जो जॉब लगेगी उनको पहले ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो आपका कंपटीशन भी कम हो जाएगा। तो जहां तक मेरा मानना है 55 से 60 नंबर के बीच आपकी फाइनल लिस्ट लग लेगी। तो बच्चों आप भी बीच बीच में अपन मैंने देखते रहियो, मैं जरूर आपके खातिर कोई ना कोई जरूर जानकारी लेके आऊंगा भाई। आज के लिए इतना ही, फिर आप मिलेंगे शाम में 8:30 बजे अपनी क्लास के साथ, तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके भाई रविंद्र सर। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में लाइक करके अपना कार्य करें और हमें बताएं जहां तक आपको समझ आए। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।